आज के वीडियो में बात करेंगे एनाबॉलिक विंडो के बारे में। ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए वर्कआउट के साथ साथ पोस्ट वर्कआउट मील एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनाबॉलिक विंडो के अकॉर्डिंग अपने वर्कआउट के बाद 30 मिनट्स के अंदर आपको अपना प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स रिच मील कंज्यूम कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी बॉडी में MPS दैट इज मसल प्रोटीन सिंथेसिस कंपेरेटिवली हाई हो जाता है, जो कि मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कुछ और ही कहती है। 2007 की स्टडी में कुछ पार्टिसिपेंट्स को 1 घंटे पहले और कुछ पार्टिसिपेंट्स को 1 घंटे बाद वे प्रोटीन दिया गया और दोनों में ही मसल प्रोटीन सिंथेसिस लगभग सेम ही रहा। और 1997 की स्टडी में देखा गया कि वर्कआउट के बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को 2 घंटे बाद भी कंज्यूम करते हैं तो भी आपकी बॉडी में मसल ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस में कोई चेंज नहीं आता है। कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल 8 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक मेंटेन रहते हैं। लेकिन 2003 की स्टडी में देखा गया कि अगर आप फास्ट स्टेट में वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी में MPB डेट इज मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ जाता है एंड इस केस में पोस्ट वर्कआउट मील को जल्दी कंज्यूम करना बेटर रहेगा। सो इस वीडियो का टेक अवे है दैट एनाबॉलिक विंडो डजंट एग्जिस्ट। और अगर आप फास्ट स्टेट में वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपना पोस्ट वर्कआउट मील अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned for more.